आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और कपिल शर्मा शो की क्लिपिंग लगातार वायरल हो रही है और इन दिनों वायरल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फिर से द कपिल शर्मा शो वापस से आ रहा है। जी हाँ, हर एक शो धीरे धीरे ही कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि जब से कोरोना का खतरा थोड़ा बहुत टला है, लॉकडाउन के जितने भी नियम कायदे कानून हैं उसके तहत शूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो इसी हिसाब से द कपिल शर्मा शो की भी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, यहाँ ऑडियंस कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कैरेक्टर पूरे देखने को मिलेंगे। तो आपको बता दें कि ये क्लिपिंग क्यों ज़्यादा वायरल हो रही है, उसी वक्त बिग बॉस भी चल रहा था और उसी वक्त ये शो भी ऑन एयर हुआ था, और इन दोनों की जो TRP थी, द कपिल शर्मा शो की TRP काफ़ी हाई थी, उसके हिसाब से बिग बॉस की जो TRP थी काफ़ी कम थी। इस वक्त गेस्ट बन के पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जैसे कई बड़े दिग्गज कलाकार आए हुए थे और ये शो काफ़ी सुपर हिट रहा था। यहाँ पे जमकर मस्ती हुई, धमाल हुआ और पवन सिंह ने अपने कई गानों का राज भी खोला कि किस तरह से वो मेहनत करते हैं, किस तरह से द कपिल शर्मा शो में पवन सिंह ने अपने कई गानों के राज भी बताए, जैसे कि लॉलीपॉप लागेलू और छलकत बा हमरो जवनिया का। और यहाँ पर छलकत बा हमरो जवनिया को पवन और आम्रपाली ने परफॉर्म भी किया था, साथ ही उसी वक्त कपिल शर्मा पिता बने हुए थे, तब उनके घर लक्ष्मी आई है ये कहकर पवन सिंह ने उन्हें बधाई भी दी थी। और पहली बार अपनी लाइफ में कपिल शर्मा पवन सिंह से मिले, लॉलीपॉप लागेलू उन्होंने कई बार गाया है, कई बार गाते हुए लोगों को सुना है, परफॉर्म करते हुए लोगों को देखा है, लेकिन कपिल शर्मा को पहली बार मौका मिला था कि वो पवन सिंह से मिले। तो पवन सिंह ने भी उस शो में जाकर वहाँ 4 चांद लगाया और सभी हाईलाइट हुए थे वहाँ, और सभी ने बहुत जमकर परफॉर्मेंस दी थी। पवन सिंह ने कई चुनिंदा गाने गाए अपने, कुछ रोमांटिक गाए, कुछ सैड सॉन्ग गाए, और फिर तो लॉलीपॉप तो गाना बनता ही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।